नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं पाकिस्तान में घटी हुई कैसी अजीबोगरीब घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाएंगे। अगर आप लोग अपने घरों से दूर रहकर, हॉस्टल्स में रहकर या रेंटेड घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, और आप लोगों के लिए खासकर ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावना साबित होगा। दरअसल पाकिस्तान के एक इलाके में जिसका नाम है गिलगिट नाम का, वहाँ से एक लड़का बिलोंग किया करता था जिसका नाम था आदिल। आदिल एक ऐसी फैमिली का लड़का था जो कि फाइनेंशियली स्टेबल थे, अच्छे खासे ठीक ठाक पैसे कमाते थे। इसके जो अब्बू थे, इसके जो पापा थे, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, अच्छे खासे पैसे इनके पास थे। और जितने भी इसके भाई रहे हैं शुरू से, वो बाहर बड़े शहरों में जाकर ही पढ़ाई किया करते थे। अब ये जो था आदिल, ये भी बड़ा हो गया था और इसका भी ऐसा टारगेट था कि मैं एक अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छी ग्रेजुएशन करना है तो अच्छे शहर में जाना है। इसने चुना लाहौर। लाहौर में जाऊंगा, बड़ा शहर है, बढ़िया सा, वहाँ पे उसका नाम है काफ़ी ज़्यादा। लाहौर पहुँच जाता है, वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। ये एक बढ़िया सा कॉलेज था, नामी कॉलेज था, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। तो क्या होता है कि वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद इसको चाहिए था एक हॉस्टल, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये किसी रेंटेड घर में रहे। हॉस्टल की तलाश करता है तो इसको एक हॉस्टल मिलता है जो कि उस कॉलेज से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। ये अकेला ऐसा हॉस्टल था जो इसको लिटरली पसंद आया था, वो वहाँ पर रहने के लिए तैयार था, लेकिन दूरी बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बोला यार यहाँ पे मैं ऐशो आराम से रह सकता हूँ और मेरी लाइफस्टाइल शुरू से ऐसी रही है, अब मैं कॉलेज के पास वाले हॉस्टल में या फिर कॉलेज के हॉस्टल में ही रहूँगा तो मुझे तकलीफ होगी और वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, मुझे ठीक नहीं लगते। वो नॉर्मल लड़कों के लिए इसका ऐसा मानना था। ये बस वहाँ पर रहना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग के कुछ महीने इसको थोड़े अनकम्फर्टेबल से वहाँ पर महसूस होते हैं, मतलब अच्छे से नींद नहीं आना, रात बेरात अपने आप नींद खुल जाना, कई बार हॉस्टल के बाहर तरफ के मैदान से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देना, कभी तबीयत खराब हो जाना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था। नेगेटिविटी बहुत थी। हॉस्टल के लोग भी ये बात करते थे, जो सीनियर्स थे ना, जो पहले से रह रहे थे, वो लोग ये बोलते थे कि भाई रात में अगर कुछ भी महसूस हो तो अपने कमरे से बाहर मत निकलना, ये जगह ठीक नहीं है। फर्स्ट ईयर के बच्चे ही पूछने की कोशिश करते थे कि ऐसा क्या है जिसको लेकर आप लोग बोलते हो कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना। लेकिन सीनियर्स को कुछ पता होता तब भी तो वो बता पाते ना। सीनियर्स को कुछ नहीं पता था, किसी को कुछ भी नहीं पता था, सब एक दूसरे की कहा सुनी करके वहां पर रह रहे थे। खैर, जैसे तैसे करके शुरुआत के कुछ महीने कट जाते हैं और अब आ जाते हैं मिड टर्म्स का टाइम, जो मिड टर्म्स में एग्जाम्स लिए जाते हैं ना, वो वाला टाइम था। और ये वो टाइम था जब ईद का त्यौहार आने वाला था। हॉस्टल में जितने भी लड़के थे, जितने भी, सभी मुस्लिम्स, मैक्सिमम मुस्लिम्स, एक दो हिंदू रहे होंगे, तो जितने लोग थे ना, जितने मुस्लिम्स, वो अपने घर गए भाई, क्योंकि घर पे सेलिब्रेशन करना बड़ा त्यौहार होता है। लेकिन ये जो था, ये शुरू से थोड़ा पढ़ाकू टाइप का था, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देता था, भले ही रईस घर का था लेकिन रईस घर की बिगड़ी हुई औलाद नहीं था। इसने डिसाइड किया कि मैं ईद में घर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्टल में ही रहूंगा क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, घर चले गया तो पढ़ाई नहीं होगी। हाँ, घर पे सेलिब्रेशन में रह जाएगा, घूमने घामने में। तो ये वहाँ पर रुक गया भाई। ये अकेला नहीं हॉस्टल में रुका, कुछ लड़के और भी रुके हुए थे, एक दो सीनियर ऐसे रुके हुए थे, एक हाथ बैचमेट भी रुका हुआ था। अब इस फ्लोर में, जिस फ्लोर में ये रह रहा था, उस फ्लोर में बहुत ही कम लोग ठहरे हुए थे, दो या तीन लोग, वो भी उनका एंड तरफ रूम था। पहली रात की ये बात है भाई, ये भी रोज़ा रह रहा था। अब जब ये रोज़ा तोड़ने वाला टाइम आता है तो ये बाहर गया हुआ था भाई, हॉस्टल में रहने वाला लड़का घर पे थोड़ी सारे पकवान बनवा सकता है, तो बाहर गया हुआ था, बाहर से अपना रोज़ा तोड़ के हॉस्टल में लौटा हुआ था और थोड़ी सी पढ़ाई किया। पढ़ाई के बाद ये सोने की कोशिश करने लगा, नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी देर मोबाइल चला लेता हूँ, कुछ गेम खेल लेता हूँ, कुछ वीडियोज़ देख लेता हूँ, टाइम पास करता हूँ। थोड़े बहुत गेम खेला और देखा कि अरे रात के एक बज चले, आज नींद क्यों नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने सोचा कुछ हॉरर वीडियोस लगा के सुनना शुरू करता हूँ। उसने ब्लडी सत्य के कुछ वीडियोस प्ले कर दिया और सुनने लगा, बाजू में लगा दिया और बढ़िया था कि हमें सर रख के सोने की कोशिश करने लगा। कहानियाँ सुन के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी कहानियाँ सुन के लोगों को नींद आती है, तो आदिल को भी नींद आने लगी। नींद में जाने लगा और अचानक से लगभग रात के 1:30-2 बज रहे होंगे, इसको इसके रूम के बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। ये शौक हो गया, इतनी रात गए, दो तीन लोग ही तो हैं पूरे फ्लोर में, दौड़ कौन रहा है।
और अगर दौड़ रहा है तो कोई मुसीबत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, कोई पीट पाट तो जा किसी को? हाँ, ये हैरानी से उठता है, बाहर की तरफ बढ़ता है, दरवाजा खोलता है तो देखता है बाहर कोई भी नहीं। ये शौक इसने दरवाजा बंद किया, फिर लौटा, सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद फिर से टूट गई, नींद नहीं आई। फिर थोड़ी देर बाद बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसने बोला, ये क्या अपशकुन जैसा चल रहा है, मनुष्य जैसी चल रही है, कुछ गड़बड़ समझ में आ रही है। एक काम करता हूँ, कंबल में सर घुसा के सोने की कोशिश करने लगता हूँ। भाई, ये जो चीज़ें अभी महसूस हो रही है और ये जो वाइब्स आ रही हैं, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, अच्छी समझ में नहीं आ रही है। इसने अपने कंबल के अंदर मुंह डाला और सोने की कोशिश करने लगा, और किस्मत से थोड़ी देर बाद नींद आ गई। अब अगले दिन की बात है, ये आज भी रोज़ा तोड़ के आया, और फिर ऐसा था कि आज इसने ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया और सोचा जल्दी सो जाता हूँ, ज़्यादा लेट होती है तो उल्टी सीधे हरकतें होने लगती, फिर नींद नहीं आती है। फिर सोने की कोशिश किया ही है, 12 बजे के आसपास आज इसको बाहर से पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये घबरा गया, बोले ये तो बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे कोई भी लड़की का नामो निशान भी नहीं है, मतलब साफ़ सफाई करने वाला भी लड़का ही है, तो पायल पहन के इधर से उधर कौन चल रहा है। ये थोड़ा सा डर गया और फिर वापस से बाहर से बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ कि पायल पहन के जो चल रही थी, अब वो दौड़ रही है, कभी उधर जाती फिर इसके रूम से इधर आती, फिर उधर जाती इधर आती। बाहर हल्का टिमटिमाता हुआ ट्यूबलाइट जल रहा था, लुप 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 हो रहा था, जैसे ट्यूबलाइट ख़राब होने लगते ना वैसे जल रहा था। और उससे ये जैसे बेड में लेटा हुआ है ना, तो दरवाजे के नीचे की गैपिंग से समझ में आ रहा था कि बाहर कोई दौड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है, परछाई समझ में आती है ना, वैसा समझ में आ रहा था। माहौल एकदम क्रीपी बन गया था, ये टेंशन में आ गया यार। इसने सोचा बाहर जाके हिम्मत करके देखना ही पड़ेगा, कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ रहे हम लोग पूरे हॉस्टल वाले, ये हॉस्टल में ज़्यादा लोग हैं नहीं, कोई आओ तो नहीं गया है गलत इंसान। ये सोच के बड़ी हिम्मत जुटा के उठा और दरवाज़ा खोला हल्का सा और बाहर की तरफ देखने की कोशिश किया, बाहर कोई भी नहीं। फिर अंदर लौटा, अंदर ये इतना ज़्यादा घबरा गया था ना कि इसने सोचा अब नींद तो नहीं आएगी, अब कैसा करूँ। तो इसने कुछ आयतें पढ़ना शुरू किया, इसने आयतें पढ़ना शुरू किया तो मन में डर कम हुआ, डर कम हुआ तो अब इसने सोचा कि अब सोना बेहतर है। अभी तक बाहर की वो आवाज़ भी बंद हो चुकी थी, ये सोने चले जाता है भाई, इसको नींद आ जाती है। अब आती है तीसरी रात, अब तीसरी रात जब आई ना, उसके अगले दिन थी ईद, तो जो तीसरे रात आई ना, ये यहाँ पे बढ़िया अपने बिस्तर में आज भी सोया हुआ है, लगभग 3 बजे हुए हैं, नींद आ चुकी थी, अचानक से बाहर से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बोलता है ये चल क्या रहा है यार हॉस्टल में, लगातार 3 दिन हो गए और तीनों दिन बड़ी अजीबोगरीब घटना हो रही है, साला बाहर देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता है, हरकत क्या हो रही है। जाता हूँ सीधे वार्डन से बात करता हूँ कि मैटर क्या है, आखिर आप लोग हमसे क्या छुपा रहे हो, इस हॉस्टल में क्या गड़बड़ी है, गड़बड़ी है या फिर कोई इंसान आके ये सारी हरकतें कर रहा है। अब वो जानना चाह रहा था, उठा, हिम्मत करके बोला आज तो हो ही जाए फैसला, हिम्मत करके निकला और सोचा कि बाहर कोई सीनियर मिल जाएगा तो उसको भी खींच के लेके जाऊंगा। बाहर निकला ही, अपने रूम का दरवाज़ा खोला ही है तो क्या पाता है कि जैसे ये दरवाजे समझ लो, ये दरवाज़ा उसने खोला अंदर की तरफ, और यहाँ पर राइट साइड में एक लड़का ज़मीन में नीचे बैठ के रो रहा है। वहाँ पे जो कॉरिडोर था, वहाँ पे वही जो ट्यूबलाइट थी, एक बंचालू लुप 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 हो रही थी, जैसे ख़राब हो रही थी, तो ट्यूबलाइट की वो रोशनी से वो लड़के का जो हुलिया था वो बहुत ही ज़्यादा अजीब दिख रहा था। ये बहुत ज़्यादा क्रीपी समझ में आ रहा था लड़का, क्योंकि आँखों के नीचे इतने खतरनाक डार्क सर्कल्स, जैसे कि देख के ऐसा लग रहा था ये कोई नॉर्मल सी प्रॉब्लम नहीं, एक बीमारी हो गई इसको डार्क सर्कल की। वो रो रहा है वो लड़का ज़ोर ज़ोर से। ये थोड़ा हैरान हुआ, चौंका कि इस लड़के को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा हूँ और ये मेरे दरवाजे के पास में आकर क्यों रो रहा है। अब ये भूल गया वार्डन के पास जाना है, भूल गया पहले ये लड़का मैटर हो गया। लड़के के पास बड़ी हिम्मत करके कंधे में हाथ ले गया, लड़का इसकी तरफ पलटा रोते रोते, बोला क्या हो गया भाई, कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो। तो रोते रोते बोलता है कि मुझे पढ़ाई करना था, किसी ने भी मुझे पढ़ाई नहीं करने दिया, मुझे कोई भी पढ़ाई नहीं करने देता है। उसने ये आवाज़ सुना तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि वो जो लड़का था ना वो नॉर्मल आवाज़ में ही नहीं बोल रहा था, हालांकि रोते रोते बोल रहा था और रोने में लोगों की थोड़ी आवाज़ चेंज हो जाती है, लेकिन आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा डरावनी सुनाई दे रही थी। यानी ये दिखने में यही कोई 18-19 साल के आसपास का लड़का था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी डीप थी, इतनी भारी थी कि जैसे एक बहुत एक्स्ट्रा मैच्योर्ड पर्सन की आवाज़ सुनाई देती और बहुत ज़्यादा डरावनी भी। ये घबरा गया बहुत ज़्यादा। अब ये घबरा कर तुरंत पीछे हटा एक कदम और अचानक से उसकी नज़र पड़ी उस लड़के के पैर में।
क्या देखता है कि उस लड़के के घुटने के नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं। हाफ पैंट पहन के वो लड़का बैठा हुआ था। ये थोड़ा सा डरा, बोला कि इस पूरे हॉस्टल में ना लिटरली कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिसके पैर नहीं है, सब सही सलामत वाले लोग हैं, ये कौन आ गया यहाँ पे। ये थोड़ा डर के पीछे हुआ और वो लड़का अभी भी घूर घूर के इसको देख रहा है। इसने ध्यान से नोटिस किया उसकी आंखों की तरफ। आंसू तो बह रहे थे रोने के साथ साथ, लेकिन अब समझ में आ रहा था कि आंखों से खून भी टपकने वाला है। हाँ? मानो कि खून के आंसू आने वाले थे। ये क्या बोले, सामने क्या रिएक्ट करे। इसको भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास था, लेकिन ये डरता नहीं था उतना ज्यादा। लेकिन आज जो सामने आया था तो कोई भी घबरा जाए भाई, कोई भी किसी के भी साथ हो, कोई भी डर जाए। इसने बोला, अच्छा अच्छा तुम रो मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, यहीं बैठे रहो। ये तुरंत अंदर गया, दरवाजा लगाया और मुट्ठी बांध लिया कि ये क्या देख लिया, बाप रे मैंने खून के आंसू रो रहा है एक ऐसा लड़का जिसके पैर नहीं है, वो पढ़ाई के लिए बोल रहा है, आंखें इतनी ज्यादा खतरनाक है, वो पक्का भूत है। अब भाई वो भूत है तो उससे बचूं कैसे, आज तीसरी रात हो गई है और आज तो उसने मेरे से कम्युनिकेट कर लिया है। अब अगर मैंने शायद उसकी मदद नहीं किया तो वो चीज़ मेरे ऊपर हावी हो सकती है, हो सकती है, तो मेरे को बचना पड़ेगा। क्या करूँ क्या करूँ। अचानक से उसको सामने एक बुक दिखाई देती है। वो बुक उठाता है, बुक को ऐसे हाथ में पीछे करता है और बढ़ चलता है आगे की तरफ। दरवाज़ा खुलता है, लड़का अभी भी वहीं बैठा बैठा रो रहा था। बोलता है कि तुमको पढ़ाई करनी थी ना, मैं तुम्हारे लिए बुक लेकर आया हूँ, ये लो। सीधे हाथ में पकड़ा दिया। अब जैसे ही वो बुक उस लड़के ने हाथ में पकड़ा, इतनी जोर से गंदी आवाज में चिल्लाया और बुक को ऐसे छोड़ा है, और जैसे ही छोड़ा ना, आंखों के सामने मतलब वो लड़का ऐसा जुप से सुकड़ गया, सुकड़ के मतलब पूरा ऐसा लगा कि मतलब तुरंत जल के राख हो गया वो। और ये बहुत जोर से डर गया, बोला ये सपना है कि क्या है। ये तुरंत अपनी बुक उठाया और अंदर ऊपर नीचे सांस होते चक्कर आ गए, बेहोश। ये कोई नॉर्मल बुक नहीं, ये एक होली बुक थी, इसलिए सामने बैठे उस बच्चे का ये हश्र हुआ था। वो एक होली बुक थी जो आदिल ने उसके हाथ में पकड़ा दिया था कि तेरे को पढ़ना है ना, ये ले पढ़। इसलिए जैसे उसने हाथ में पकड़ा, वो शैतानी आत्मा थी, उसने जोर से चिल्लाया और भस्म हो गया, राख हो गया। अब भाई सही में तो कोई ऐसा भूत राख नहीं होता है, बात यह है कि वो भूत लोग हमारे दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम यहाँ से दूर हो गए। तो आदिल के दिमाग में भी उस शैतानी शक्ति ने इल्यूजन क्रिएट की थी, लेकिन आदिल ने अपने उस इल्यूजन से जो कि शैतानी शक्ति ने क्रिएट की थी उससे लड़ लिया अपनी पवित्र बुक की मदद से, ठीक है। तो इसलिए उसको ऐसा जलता हुआ कुछ दिखाई दिया, लेकिन खैर ये अंदर आया, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। फिर उसके बाद सुबह इसकी नींद खुली, बाहर हड़बड़ी है लोगों की, कॉलेज जाने की तरह कुछ होगी भाई, अगला ईद का दिन था तो लोग उठ गए थे, जितने भी लोग थे उनकी आवाज़ से इसकी नींद खुली। नींद खुली तो क्या देखता है कि जहाँ पर ये पड़ा हुआ था ना, वहाँ पे खून पड़ा हुआ इतना इतना। हाँ, हाँ ये बहुत ज़्यादा घबरा गया, इसको उठते से चक्कर आ गए कि ये खून यहाँ पर कैसे। ये उठा, शीशे आईने के सामने गया, देखा कि इसके मुँह में खून लगा हुआ है, इसको खून की उल्टी हुई थी। वापस से ये देखा जैसे अपने आप को, वापस से खून की उल्टी आई, बेसिन में उल्टी किया खून की, बहुत ज़्यादा घबरा गया और फिर से चक्कर आ गए, क्योंकि देख के बहुत ज़्यादा डर गया ना, डर के मारे भी चक्कर आते हैं। अब ये घर पे बताए ना बताए असमंजस में चले गया, बोला आज तो नहीं बताऊँगा, ईद का दिन है, सबकी ईद खराब हो जाएगी, किसी को कुछ नहीं बताया। आने वाले दो दिन बाद उसकी फिर से हिम्मत नहीं हुई, दो दिन बाद फिर से बात हुई घर पे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। उसने ये बात अपने घर वालों से छिपा के रखा, क्योंकि इसको डर था कि मैं बता दूंगा अपने मम्मी पापा को ये बात तो बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे और मुझे वापस बुला लेंगे, और मुझे है पढ़ाई से प्यार, मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इसने अपनी सिचुएशन से फाइट किया, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास बनाए रखा, और लिटरली कुछ दिनों बाद यानी लगभग एक महीने बाद ये धीरे धीरे करके खुद ही नॉर्मल हो गया। ये नॉर्मल तो हो गया, लेकिन आज भी उन रातों को याद करता है ना, जब ये तड़पता था, खून की उल्टियां करता था, सपने में वो खौफनाक शक्लें दिखाई देती थी, वो आज भी ऊपर से नीचे तक सिहर सा उठता है। इसीलिए क्योंकि वो अपने बुक की वजह से बच तो गया,
लेकिन जो शक्ति थी उसके ऊपर हावी हो गई थी और उसकी वजह से उसके दिमाग के साथ बहुत ज्यादा खेल रही थी, क्योंकि कोई भी शक्ति हो उसको आप खत्म नहीं कर सकते नहीं जब तक उसका टाइम है यहाँ पे पृथ्वी पे रहने का, तब तक वो रहेगी। उसके बाद नष्ट नहीं हो सकती। उसके बाद उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, उसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस चले जाएगी, अपनी दुनिया में वापस मिल जाएगी, अपनी उनकी जर्नी होगी आगे की वो पूरा करेगी भाई। लेकिन आप एनर्जी को कभी कोई मिटा नहीं सकता, ये तो साइंस भी प्रूव कर रहा है। तो हम लोग कौन होते हैं ये शक्तियों को मिटाने वाले? बस इन शक्तियों को हराया जा सकता है, इनको ओवरकम किया जा सकता है, वो इसने कर लिया था, लेकिन हावी तो हो गई थी। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला होगा। ये पूरी की पूरी कहानी की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि आदिल ने खुद ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ और एक सीख दो, तो हम लोग लेकर आ गए। इसी तरह से आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारी, क्लिक कीजिए, पहुंच जाइए वहां पे और लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। हमें पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोज डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।